बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीतापुर लोकसभा से सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी नकुल दुबे के समर्थन में जनसभा की, जहां पर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा कर कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं पर भाजपा पर भी जमकर जुबानी तीर चलाए। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मायावती के करीब 40 मिनट के भाषण का केंद्र बिंदु कांग्रेस ही रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। मायावती ने कहा कि आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन ना तो गरीबी दूर हुई ना ही किसानों का उत्थान हुआ। तथा मायावती ने कहा कि भाजपा का काम है कि राम नाम जपना और जनता को ठगना। मायावती के करीब 40 मिनट के भाषण केंद्र बिंदु कांग्रेस ही रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन ना तो गरीबी दूर हुई ना ही किसानों का उत्थान हुआ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस ने दबाए रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सीतापुर की प्रत्याशी को गलत नीतियों और पार्टी विरोधी कार्य के कारण पार्टी से निष्कासित किया गया था। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों अंदर आपस में मिली हुई हैं। इनके नेता गठबंधन से घबराए हुए हैं, घर घर जाकर गठबंधन को वोट ना देने की बात करते हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जातिवादी, पूंजीवादी व सांप्रदायिक पार्टी है। भाजपा की प्रदेश सरकार ने यूपी को बर्बाद कर दिया है। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जनता को अच्छे दिन लाने का सपना दिखाकर जनता के साथ छल किया है। मायावती ने कहा कि भाजपा का काम है कि राम नाम जपना और जनता को ठगना। उन्होंने कहा कि अब नमो की छुट्टी होने वाली है, जय हिंद के लोग आने वाले हैं। इस मौके पर प्रमुख रूप से बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, मायावती के भतीजे आकाश आनंद व विधायक हरगोविंद भार्गव, जिलाध्यक्ष सपा छत्रपाल यादव, जिलाध्यक्ष बसपा राममूर्ति मधुकर, पूर्व विधायक निर्मल वर्मा, महंत कुमार सिंह जीन बाबू व राधे श्याम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आजादी के बाद शुरू में केंद्र प्रदेश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित है, किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वह अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनके अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों को भी सत्ता से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस के राज में हमारी गरीबी और बेरोजगारी दूर हो जाए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। सीतापुर के ब्लॉक बिस्वा के ग्राम सभा जहांगीराबाद की ओर से आरसीसी रोड पर बनी लकड़ी का पुल, जहां पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। 10 दिनों के बाद भी पानी नहीं निकाला गया और पुलिया की सफाई भी नहीं हुई। जहांगीराबाद में मुख्य रास्ते पर गंदा बदबूदार पानी भरा है। दर्जनों दुकानदारों की दुकानदारी बंद है। कुछ दुकानदारों ने बताया कि लकड़ी का पुल बना हुआ है, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी, विधायक और सांसद भी ध्यान नहीं दे रहे। सफाई नहीं तो मतदान कैसे होगा। गौरतलब है कि जलभराव वाले स्थान के बाद ही रास्ते के दोनों ओर दर्जनों आवश्यक वस्तुओं की दुकानें लगी हैं। कई दिनों तक इंतजार के बाद भी जब पानी नहीं निकाला तो दुकानदारों ने बदियों पर लकड़ी की फंटिया रखकर वैकल्पिक लकड़ी का पुल बना दिया, जिस पर लोग होकर दो तीन दुकानों से सामान खरीद रहे हैं, जबकि शेष दुकानें बंद है। मैं बात करता हूं जहांगीराबाद कस्बे की, जहां पर अंदर जाने वाले मुख्य मार्ग पर लगभग 10 दिनों से लगातार नालियों का गंदा बदबूदार पानी भरा होने से जहां दुकानदारों की दुकानदारी ठप है, तो वहीं कस्बा वासियों को अपने घरों को जाने के लिए इसी गंदे पानी से निकलना मजबूरी हो गई है। पानी निकास के मुख्य मार्ग पर बनी पुलिया चौक होने से कस्बे की नालियों से निकलने वाला पानी लगभग 100 मीटर तक भरा हुआ है। इसमें गर्मी के कारण भयंकर बदबू आने लगी है, जिससे संक्रामक रोगों की फैलने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि जलभराव वाले स्थान पर ही रास्ते के दोनों ओर दर्जनों आवश्यक वस्तुओं की दुकानें कई दिनों तक इंतजार के बाद भी जब पानी नहीं निकला तो दुकानदारों ने बल्लियों पर लकड़ियों की फंटियां रखकर वैकल्पिक लकड़ी का पुल बना डाला, जिस पर लोग तीन दुकानों से सामान खरीद रहे हैं, जबकि शेष दुकानें बंद हैं। लोगों में भारी आक्रोश में प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित रूप से
से अवगत कराया गया तथा क्षेत्रीय विधायक एवं शासन ने मौके पर पहुंचकर जाकर देखा, फिर भी आज तक कोई समाधान नहीं कराया गया। मतदान केंद्रों तक जाने का यही मुख्य मार्ग है। अगर समय रहते पानी नहीं निकाला तो अवश्य इसका असर मतदान पर पड़ सकता है। संबंध में प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद आलम अंसारी ने बताया कि रेवसा बिस्वा मुख्य मार्ग पर बनी पुलिया से होकर पानी निकलता था, लेकिन पुलिया अंदर से चोक हो गई जिससे पानी की निकास पूरी तरह से बंद है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों सहित उप जिलाधिकारी व जिलाधिकारी को लिखित रूप से अवगत कराया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कई बार पंपिंग सेट से पानी निकलवाया तथा जेसीबी से सफाई करवाई, लेकिन पुलिया के अंदर ह्यूम पाइप चोक होने से पानी नहीं निकल पा रहा है। ग्रामीणों का आप पर आरोप है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वही जहांगीराबाद में लोगों का आरोप है कि स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन की पूरी जो है लागू किया जा रहा है, शौचालय भी बन रहे हैं। माननीय विधायक जी ने अपने हाथों से चेक वितरण किया था। और रही बात यहाँ साफ सफाई की, तो यहाँ 7 साल से कोई सफाई कर्मी नहीं है। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होने के बाद भी बहुत सारे अधिकारियों से, वीडियो साहब से, सीडीओ साहब से सबसे लेटर लिख करके सबसे दरख्वास्त की गई, लेकिन यहाँ पर सफाई कर्मी आज तक कोई पोस्ट नहीं हुआ। होता भी अगर है तो अपना ट्रांसफर करा के भाग जाता, क्योंकि इतना बड़ा कस्बा है, 10 गांव लगते हैं, एक अकेले आदमी की बस की बात नहीं है। तो जो भी प्राइवेट से स्वीपर लगा करके जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों की सफाई की जा सकती है वो की जाती है, और उसमें सहयोग भी दिया जाता है और जनता का सहयोग भी मिलता है। लेकिन जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है पुलिया पे पानी भरने की, सड़क भरने की, इसमें जो है काफ़ी दिनों से यह समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और इसका कारण बस इतना है कि जब ये चौड़ीकरण हो रहा था तब ठेकेदारों ने डैमेज पुलिया थी, इस पर जो है ईंटें गुम्मे डाल करके और प्रेशर वाले रोलर से दाब करके और पत्थर डाल करके रोड बना दी, जिससे ये क्लोज हो गई है। और एक दर जो है लोगों ने क्लोज कर दिया है, पाट दिया है, इसलिए इसमें से पानी नहीं निकलता, तो ये जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है 6-7 महीने से। इससे पहले इसमें कुछ नहीं था। लेकिन प्रधान जी, जिस तरीके से आपके कस्बे की या गांव की आपकी मुख्य बाजार होने के बावजूद भी ऐसी समस्या, ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए जो कई प्रकार की दुकानें वहां पर मौजूद है, उनमें पानी भरा हुआ है, कई प्रकार की बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ तो जनता ने कर रखा है जी। अभी देख लीजिए, जहाँ पे पानी भरा है वहाँ पे दुकानें और मकान बने हैं, उसके पीछे लोग अपने शौचालय का ऐसे संडास गिरा रहे हैं खुला, उसी में नाली में कूड़ा डालते हैं जिससे नाली क्लोज हो जाती है। पहला थीन और सबसे दुकान का सब सामान बेचते हैं वो भी डाल देते हैं। कई बार हर महीने सफाई कराई जाती है, 2 महीने में तो जरूर कराई जाती है नाली की सफाई, लेकिन फिर भी उसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा, क्योंकि आगे नाला भी नहीं है और ये पुलिया से पानी नहीं निकलता। बाकी तो हम अपने हिसाब से काम करते हैं और काम कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए आप कहाँ कहाँ तक भटकना पड़ा, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं एक बार। इस समस्या से हमने जो है पीडब्ल्यूडी को भी अवगत करा दिया, अधिकारियों को, शासकीय अभियंता महोदय को चिट्ठी भी लिखी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजा, समाचार के माध्यम से भी उनको अवगत कराया। माननीय महोदय SDM महोदय को भी हमने एक पत्र लिखा और जनप्रतिनिधियों से भी इसकी शिकायत की, लेकिन इलेक्शन के संबंध में इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, इसलिए कोई सुचारू रूप से इसमें कोई रुचि नहीं ले पा रहा है। और कब तक इस समस्या का समाधान हो पाता है, इसका कोई आपको आश्वासन दिया गया अधिकारियों या नेताओं के द्वारा? ना तो किसी नेता के द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया है, ना किसी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा मुझे आश्वासन दिया है। ये कहा गया है कि हम विभाग के अधिकारियों को जो है सूचित कर देते हैं और जल्द से जल्द यह समस्या का समाधान हो जाएगा। कब होगा, कब डेट लगेगी, कब यह बनेगी, ये नहीं पता। TV1 इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। फतेहपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने जनसभा की, जहां पर जनसैलाब देखने को मिला। लोकसभा 49 फतेहपुर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुस्लिम इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। शिवपाल ने हेलीकॉप्टर से 11:50 पर आगमन हुआ, जहां पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है और भ्रष्टाचार बढ़ाया है। लोकसभा 2014 में चुनाव में भाजपा पार्टी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, लेकिन काला धन लाएंगे, 15 लाख सबके खाते में आएंगे।
बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई। बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती पर भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कई बार मायावती ने भाजपा पार्टी का समर्थन किया, इसीलिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेश चंद्र साहू के चुनाव निशान चाबी वाली बटन दबाना है और महेश चंद को ही विजयी बनाना है। मौके पर मौजूद रहे जिला अध्यक्ष जन नायक सिंह यादव, प्रदेश महासचिव समरजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। किसानों की भीड़, जो आज किसान सबसे ज्यादा परेशान, नौजवान सबसे ज्यादा, किसानों की तो जितनी लागत खेती में लगती है वो लागत भी नहीं निकल पा रही। और हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, नौजवानों भाइयों, आजकल हर परिवार में बेटे और बेटियां पढ़ी हो गई हैं और बेरोजगारी के शिकार है। अब ऐसा कानून होना चाहिए, कम से कम एक परिवार में एक बेटे को और एक बेटी को नौकरी देने की गारंटी सरकार की होना चाहिए। तो इस तरीके से कानून होना चाहिए। तो इसलिए हम इस अवसर पर आपसे यही अपील करेंगे, फतेहपुर से महेश चंद्र साहू और बांदा से छोटे लाल यादव, हमारे जो प्रत्याशी हैं, ये जीतना चाहिए। और जब ये जीतेंगे तभी इस देश में सही कानून बनेंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर। पानी की समस्या को लेकर आज सदर विधायक ने फतेहपुर वासियों को संदेश दिया। सदर विधायक विक्रम सिंह ने पानी को लेकर फतेहपुर वासियों को कहा कि पानी कम से कम उपयोग करें। गर्मी के समय पानी बहुत ही गहरी सत्ता पर होता जा रहा है, लेकिन पानी पीने के लिए लोग परेशान हैं। और यह कहा कि किसान कम से कम पानी का उपयोग करें, नहाने में कम से कम पानी का उपयोग करें। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, पानी का वाटर लेवल गिरता जा रहा है। गाँव में तालाब में पानी किसान कंपाइन डालकर पानी निकालते हैं और तालाब सूखे पड़े रहते हैं। इस मौके पर मौजूद रहे उपासना दुबे, के द्विवेदी, शिवानी राजपूत, सरिता प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। फतेहपुर वासियों के लिए बिल्कुल संदेश देना चाहता हूँ कि
जल संरक्षण हमारे फतेहपुर के लिए भी ज़रूरी है, देश के लिए भी ज़रूरी है। हर व्यक्ति को कम से कम जल में अपनी दिनचर्या कैसे पूरी की जाए, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जल जो है ये इसमें ये बढ़ने वाली चीज़ नहीं, ये समाप्त हो गया तो हम इसको पैदा भी नहीं कर सकते। हम समुद्र से बहुत दूर हैं, हमारे लिए जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसका जल के ऊपर एक प्रभाव पड़ रहा है। जितने भी ऐसे संसाधन हैं जो नैसर्गिक हैं उन सब पर प्रभाव पड़ रहा है। तो कैसे हम प्रकृति के साथ अपना कदम ताल करते हुए प्रकृति के जो प्रकृति कभी कभी अपना एक स्वरूप ऐसा दिखाती है, रौद्र स्वरूप दिखाती है, जिसके माध्यम से हमको ये सीखना चाहिए कि जब जब प्रकृति दबाव में आती है तब ये स्वरूप में आती है। वो स्वरूप हम सब के लिए दूरगामी परिणाम लेकर आता है और वो अच्छा नहीं है, अगले जनरेशन्स के लिए अच्छा नहीं है, फतेहपुर के लिए अच्छा नहीं है। जितना पानी का दोहन कम कर सके, जितना कम से कम पानी प्रयोग करके स्नान और अन्य कार्य कर सके, भोजन के बाद कितना पानी वेस्ट करते हैं, गाड़ी धोने में कितना पानी वेस्ट करते हैं, पानी बगीचे में लगाने में कितना वेस्ट करते हैं, खेती में अनावश्यक पानी लगाते हैं क्या, ये सब चीज़ें सोचने की हैं। और ये पानी लिमिटेड है, इसको बचाना। ये जिन जिन गाँव में कुएं हैं, तालाब हैं, तो उन गाँव के लिए या उन जगहों के लिए या तालाबों के लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए देखिए, तालाब भरे रहे पानी से ये सुनिश्चित करना होगा। मई और जून बारिश के महीने नहीं होते और इन महीनों में जानवर को प्यास भी ज़्यादा लगती है, इंसान को भी प्यास ज़्यादा लगती है। इन्हीं महीनों में तालाब भी खाली हो जाते हैं। बहुत से लोग तालाबों में मोटर इत्यादि डालकर खेतों में सिंचाई कर लेते हैं, बागवानी में सिंचाई कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जानवरों के लिए तालाबों में पानी छोड़कर चलना चाहिए। तो पानी को जो कुएं सूखे हैं उन कुओं को रिचार्ज करने के लिए ही आज यहाँ गोष्ठी होती है कि कैसे उन कुओं में पानी दोबारा आ सके, उसी पानी का प्रयोग करते हुए जो उस गाँव में वेस्ट जा रहा है। फिलहाल कुएं जो हैं उनके अंदर जब ये वेस्ट जो पानी जा रहा है, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हो और चाहे वो भिन्न भिन्न नालियों के माध्यम से उन कुओं को रिचार्ज किया जा सके। रिचार्ज का मतलब यह है जब पानी कुछ दिन उसमें रहेगा जाकर तो वाटर टेबल को वो रिचार्ज करेगा। जब वो वाटर टेबल ऊपर आएगा तो कुओं में पानी दिखने लगेगा। हो सकता है इसमें 3 साल लगे, हो सकता है इसमें 5 वर्ष लगे, लेकिन सारे गाँव वालों के सहयोग से, ग्राम पंचायतों के सहयोग से और गांवों में रहने वाले युवाओं के जो पढ़े लिखे हैं उनके सहयोग से हम इस आंदोलन को 840 ग्राम पंचायतों में लेकर जाएंगे और 5 साल में ये टारगेट लेकर चलेंगे। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें पीने की पानी की समस्या समाप्त करनी है, हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग को 5 साल के अंदर कम से कम फतेहपुर के अंदर हम लोग इसको पूरा कर लेंगे और लोगों को उसके परिणाम भी दिखाई देंगे। सर, आपके घर में वाटर कूलर लगा, वाटर जो पानी आपके घर में लगा है तो वाटर टैप लगा हुआ है या आरओ लगा हुआ है? तो आरओ में, अगर आपके घर में आरओ लगा हुआ है तो दिन भरे में कितने लीटर आरओ का पानी यूज करते हैं? कभी नापा नहीं है, लेकिन 4-5 बाल्टी पानी आरओ का जो वेस्ट होता है पानी, उसका प्रयोग हम लोग बागवानी के लिए अपने घर में करता है। और ये मैं सबसे वो लोग भी कर रहे हैं, व्यर्थ ही जा रहा है। बागवानी में प्रयोग हो गया तो व्यर्थ कैसे होगा? अच्छा, बागवानी में आप प्रयोग कर रहे हैं, बागवानी में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वो पानी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसमें भी क्षमता है पौधों को जीवन देने की। और गर्मियों में वैसे भी हमको हमारे पौधे जो है सुबह भी पानी चाहते हैं और शाम को भी चाहते हैं। जिन जिन घरों में आरओ लगे हैं, जिन जिन घरों में ऐसी सुविधाएं लगी हुई है जिनसे पानी काफी ज्यादा व्यर्थ हो रहा है, उन लोगों के लिए क्या सोचिए? ये प्रयोग करें वो लोग। देखिए, हम लोग बहुत इनोवेटिव हैं कि पानी ज़मीन से कैसे निकल आए। पानी वाटर टेबल नीचे चला गया, 4 पाइप और डाल दो। लेकिन ये जो वाटर टेबल लगातार नीचे जा रहा है ये एक शुभ संकेत नहीं है। तो कैसे हम अपने आरओ का या अपने अन्य व्यवस्था जिनमें हम पानी का प्रयोग कर रहे हैं वो कैसे हम उसको मिनिमाइज करें, उस पर डिपेंडेंसी मिनिमाइज करें, जितने की आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें, यही मैं समझता हूँ हम सबके हित में है। क्या किसी गांव के लिए जो कुएं हैं, कुओं के लिए आप कुछ योजना ला रहे हैं क्या? हम लोग कहीं ना कहीं एक मॉडल डेवलप करेंगे
जब मॉडल डेवलप करेंगे तो आपको आपके चैनल के माध्यम से बुलाएंगे और वहां आकर आप जब देखेंगे तो आपको प्रसन्नता होगी और गांव वालों का जब आप इंटरव्यू लेंगे प्रसन्न चेहरे जब आपको दिखाई देंगे जैसे आप आज मुस्करा रहे हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर। रायबरेली के कस्बा टाउन एरिया तहसील लालगंज में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो के दौरान फूलमालाओं के साथ जनसैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि तहसील लालगंज के कस्बा टाउन एरिया में दिनांक 2 मई को समय रात्रि के लगभग 9 बजे लगभग रायबरेली की लोकसभा सीट के प्रत्याशी सांसद सोनिया गांधी के प्रचार में उनकी बेटी राष्ट्रीय महासचिव स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने कस्बा लालगंज के मेन रोड होते हुए लालगंज के हर नुक्कड़ पर रोड शो किया। यहाँ की जनता में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। मैं फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत करने के लिए यहाँ की जनता बेचैन रही। वहीं रोड शो के दौरान उनके स्वागत के लिए लाखों की संख्या में फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रियंका गांधी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए संकेत दिया गया कि रायबरेली की लोकसभा सीट से दोबारा सांसद बनाकर दिल्ली भेजने का काम करूंगा, क्योंकि देश का उद्धार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि और पार्टियां तो गद्दार व धोखेबाज होती हैं जो वादा करती हैं चुनाव के बाद मुकर जाती हैं। यहाँ की जनता अब जाग चुकी है, पक्षियों को ऐसा करारा जवाब देगी कि रायबरेली की तरफ कभी किसी की देखने की हिम्मत नहीं होगी। जो भी क्षेत्र में काम कराए गए हैं जैसे रेलकोट फैक्ट्री, पहिया कारखाना, जो कि बहुत मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया है, तो यहाँ की क्षेत्र की जनता, यहाँ पूरे जिले की जनता जो है सोनिया गांधी के साथ सब कदम खड़ी है और 5 लाख के ऊपर मिलने के लिए लोग के लिए लालगंज की जनता क्या महसूस कर रही है? लालगंज की जनता ये महसूस कर रही है कि हमारे क्षेत्र में सोनिया गांधी सब खत्म है, जो उनके विरोधी जो लड़ रहे हैं वो उनके सबॉर्डिनेट कुत्ते टाइप लोग हैं, उनको लड़ना नहीं चाहिए। वो समाज में आपसे पहले सोनिया जी को माता जी और प्रियंका जी को बहन जी कहते थे और उसके बाद आज करोड़ों रुपया कांग्रेस से लेने के बाद और आज वो भाजपा में चले गए अपनी जिला पंचायत बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार कार्यक्रमों की वजह से वो भाजपा में चले गए कि भाजपा वाले उनको बचा लेंगे। वो जिला पंचायत सदस्य नहीं रह जाएंगे, उनके 14 तारीख को उनका विश्वास हो जाएगा और यहीं से उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन उमेश श्रीवास्तव के साथ रवि सोनकर की रिपोर्ट, रायबरेली।